वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे। तो शक्कर पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और घी मोन के लिए और बटर। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को 1 किलो मैदे में मिलाएंगे। इसके बाद हम मोन, जो शुद्ध देसी घी है, उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मोन को इस तरह से अच्छी तरह आटे में मिक्स कीजिए, देखिए इस टाइप से। फ्रेंड्स, मोन को अच्छी तरह से मिलाइए और इतना अच्छा तरह से मिलाइए कि कोई गिल्टी ना रह जाए। और आप चाहे तो मोन में रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी यूज़ किया है, वो आपके लिए ऑप्शनल है। और इतना मोन डालना है कि इस तरह से मुट्ठी बन जाए और गीला गीला हो जाए आटा, इस हिसाब से मोन मिलाइए। अच्छी तरह से हैंड से मैश कीजिए। अब हम आटा गूंदने जा रहे हैं, तो बड़े हिसाब से पानी मिलाना है। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, पानी एकदम से नहीं मिलाना है क्योंकि पतला ना हो जाए आटा, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। देखिए आटे को हमें बहुत ही सख्त गूंदना है और इस टाइप से अच्छी तरह से गूंदना है। अब ये आटा तैयार हो गया है, अब हम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। मिनट हो गए हैं, अब हमने इसके ऐसे एक रोटी बेल ली है इस टाइप से। देखिए इतनी पतली और इतनी बड़ी रोटी बनानी है हमें। इसे अब इसे हम काटेंगे, देखिए इस टाइप से स्क्वायर शेप में बनाना है, जिस टाइप में शक्कर पारे होते हैं, इस टाइप से काटिए। अब इसे एक पेपर में रखिए, देखिए इस तरीके से, इस शेप में। सारे शक्कर पारों को इसी शेप में काटना है। घी गरम कर लिया है तलने के लिए, अब ये शक्कर पारे तैयार हैं हमारे, तो अब इसमें हम डालेंगे। इसको ब्राउन होने तक अब हमें तलेंगे। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया है, इस टाइप से ब्राउन होने तक तलना है और इसे पेपर में रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं तलने के लिए, और चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया है। ये सारे शक्कर पारे हम इसी टाइप से तलेंगे। चटनी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर पानी और 1 किलो चीनी, 1 किलो मैदे के हिसाब से। तो पहले हम 1/2 लीटर पानी एक भगोने में डालेंगे, उसके बाद 1 किलो चीनी इसमें मिलाएंगे। इस चाशनी को हम बनने तक इस टाइप से हिलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे ना जम जाए। ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। इस चाशनी को बनाने में हमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगा। अब ये फ्राई किए हुए शक्कर पारे इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इस टाइप से मिक्स कीजिए ताकि चाशनी सभी शक्कर पारों को अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे ताकि इसमें हवा लग जाए, और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसमें थोड़ी हवा लग जाए और आपस में चिपके ना। ये अच्छे तरीके से इन शक्कर पारों को इस तरह से हिलाइए ताकि इसमें हवा लग जाए और आपस में ये चिपके ना। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी ये स्वीट सी रेसिपी। बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको मेरी ये स्वीट सी रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए बाय।